क्या कोई व्यक्ति भगवान की 9-9 घंटों तक पूजा कर सकता है? अगर हम कहें कि 1-2 दिन के लिए किसी ने ऐसा किया है तो शायद हमें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि पिछले 10 साल से बिना रुके बिना थके कोई ऐसा कर रहा है तो? धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन में परम पूज्य पन्यास प्रवर्षित धैर्य सुंदर विजय जी महाराज द्वारा ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सूरत शहर में रहा हुआ गोपीपुरा विस्तार प्राचीन तीर्थ स्थलियों से पावन है। इस गोपीपुरा विस्तार में 60 से भी अधिक प्राचीन जिनालय और दूसरी ओर यह जैनों की आबादी कम होती चली जा रही है। अभी वर्तमान में हालत ऐसी है कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसे बढ़ने लगे, लोगों ने नए सूरत की ओर रुख किया। जिनालय में प्रभु रह गए और भक्त गैर हाजिर हो गए, और ये सिर्फ सूरत नहीं बल्कि भारत के लगभग हर उस शहर की बात है जहाँ ये चलन देखने को मिल रहा है। बात करें गोपीपुरा सूरत की, तो जहाँ रोजाना सुबह होते ही भक्तों की भक्ति एवं घंटनाद की ध्वनि से गोपीपुरा गूंज उठता था, वहाँ सन्नाटा सा छा गया है। पाषाण के बड़े बड़े भव्य प्रभु जी की पूजा पुजारियों के द्वारा ही संपन्न होने लगी थी। तब धातु के छोटे छोटे प्रभु जी की पूजा कौन श्रावक करता होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न था। करीबन 10 साल पहले एक युवा श्रावक ने इस परिस्थिति को देखकर मनोमंथन किया। रोजाना एक जिनालय में वो अष्ट प्रकारी पूजा कर रहा था, लेकिन अन्य जिनालयों में प्रभु पूजा की होने वाली उपेक्षा इन्हें चुभने लगी। इनका किया हुआ मनोमंथन सिर्फ विचार तक सीमित नहीं रहते हुए सम्यक परिवर्तन का कारण बना। वो युवा श्रावक भाई का नाम अल्पेश भाई, गोपीपुरा में एक फ्लैट में बरसों से उनका परिवार रहता है। धीरे धीरे उनके भाई वगैरह कई लोग वहां से नए सूरत में बस गए। उन्हें भी कई बार कहा कि अब अपने समाज के घर इस विस्तार में यानी कि गोपीपुरा विस्तार में न के बराबर है, तो आप भी यहाँ पर आ जाइए। लेकिन अल्पेश भाई ने सोचा कि यहाँ प्रभु भक्ति की समस्या का समाधान क्या है, मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। समाज से पहले, दुनिया से पहले, खुद से पहले भगवान को रखा, प्रभु भक्ति को रखा। 10 साल पहले किसी धन्य पल में उन्होंने रोजाना सुबह 7 बजे से अलग अलग जिनालयों में जाकर परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करना शुरू किया। रोजाना शाम 4 बजे तक उनका ये पूजा का कार्यक्रम जारी रहता था। बिना किसी भी प्रकार के वेतन या बहुमान अल्पेश भाई 9-9 घंटे, कभी कभी तो 10-10 घंटे तक लगातार प्रभु की पूजा करते हैं। इस पूजा के दौरान शरीर के आवश्यक कार्य यानी कि पानी पीना, बाथरूम जाना, भोजन करना इत्यादि पर पूर्ण रूप से उनका स्टे ऑर्डर रहता है। मतलब वे रोजाना बिना व्यवधान बिना कोई समस्या पूजा हो पाए, इसीलिए शाम 4 बजे के बाद ठाम चौहव्या रेकाशना करते हैं। मतलब शाम 4 बजे के बाद जब पूजा के वस्त्र बदलकर सादे वस्त्र पहनते हैं, तब वे एक ही जगह पर बैठकर एक ही समय पर आहार और पानी लेकर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। इसके बाद सीधे अगले दिन बैठेंगे, तब मुँह में पानी या अन्न का दाना जाएगा। लगातार 10 साल से वे इसी तरह रोजाना ठाम चौहव्या रेकाशना करके प्रभु भक्ति करते हैं। एक बार उनसे गुरु भगवंत ने पूछा कि कितने जिनालयों में भक्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि साहिब जी, लगभग 13 जिनालयों में, और उसमें भी अष्ट धातु की प्रतिमा बड़ी संख्या में होने से उनकी पूजा में करीबन करीबन उपेक्षा होती देखी है, इसलिए उन सभी प्रभु जी की भक्ति प्राथमिकता से करता हूँ। शुरू में दोपहर 12 बजे के बाद सभी जिनालय मंगल हो जाने से दिक्कत आ रही थी, लेकिन ट्रस्टियों से बातचीत करके उन्हें समझा कर उन जिनालयों की चाबी प्राप्त कर ली ताकि एक भी प्रभु जी बिना पूजा के न रह जाए। गुरु भगवंत ने पूछा कि कभी शारीरिक प्रतिकूलता हो तब क्या करते हो? उन्होंने बताया कि प्रभु की कृपा से 10 साल में कभी ऐसी समस्या नहीं आई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न गुरु भगवंत ने पूछा कि पूरा दिन पूजा में पूर्ण हो जाता है तो आर्थिक व्यवस्था किस तरह चलती है? उन्होंने कहा कि मेरे सेठ जैन हैं, शाम को एकाशना करने के बाद मैं अकाउंट्स का काम कर लेता हूँ। कभी कभी महीने में 1-2 दिन ज़्यादा काम हो तो मेरा बेटा 2-3 घंटे पूजा का काम संभाल लेता है। आज भी मेरे इस कार्य में रोजाना बेटा 2-3 घंटा हाथ बटाता है। पत्नी भी सभी तरह की अनुकूलता कर देती है। शाविका ने मुझे इस कार्य में हमेशा साथ दिया है। जो आय होती है उससे हमारे परिवार की जरूरत बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाती है, और परमात्मा की कृपा से मुझे कभी भी कम नहीं पड़ा है और कम लगा भी नहीं है। अल्पेश भाई के पास शायद कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला आदि सुख सुविधा नहीं होगी, नॉर्मल जीवन जी रहे होंगे। कोई बड़ा बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, आम आदमी की तरह ही उनका जीवन होगा। लेकिन फिर भी इनसे अगर पूछेंगे कि क्या आप खुश है, तो वे कहेंगे अत्यंत खुश है, अत्यंत सुखी है, क्योंकि जीवन में परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की कृपा से सेटिस्फैक्शन है, परिवारजनों में भी संतुष्टि का गुण है। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पूज्य धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब और अल्पेश भाई बचपन में तपोवन संस्कार धाम नवसारी में दोनों एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे। गुरु भगवंत ने उन्हें पूछा कि क्या ये प्रभु भक्ति आगे भी जारी रखने का विचार है?
उनका जवाब अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही सुंदर था कि ये प्रभु भक्ति मैं कहा कर रहा हूँ, ये तो प्रभु करवा रहे हैं और जब तक करवाएंगे तब तक करता रहूंगा। 10-10 साल से ऐसे भीष्म कार्य को करना और अपने भावों को बढ़ाते रहना, उसका श्रेय भी परमात्मा की कृपा को देना, ये इस युग में पंचम आर्य में चमत्कार से कम नहीं है। जिन शासन के इस गहरे समंदर में अल्पेश भाई जैसे कई ऐसे कीमती हीरे हैं जिनके बारे में शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जिन शासन के ऐसे हीरोज पर हमें गर्व है, कभी सूरत जाना हो तो गोपीपुरा विस्तार में एक से एक तीर्थों के दर्शन पूजा भक्ति का लाभ अवश्य लीजिएगा, कोई ना कोई जिनाले में अल्पेश भाई अवश्य मिल ही जाएंगे। गुरु भगवंत कहते हैं कि कंपटीशन और कंपैरिजन के इस युग में लोगों के बंगले, गाड़ी और तरक्की देखने पर भी अल्पेश भाई के मन में किसी भी प्रकार की दीनता या चिंता की बात तो दूर, उल्टा चेहरे पर उत्साह, उल्लास और आनंद भर भर के दिखता है, वो काबिले तारीफ है। धन्य प्रभु भक्त, धन्य प्रभु भक्ति, धन्य जिन शासन। जय जिन शासन, जय महावीर।